धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में शावक द्वारा चुराए गए पैसों से भरे एक दबंग के कुर्ते को छिपाने के आरोप में दलित परिवार की पिटाई कर दी गई। दबंग की पिटाई से पीड़ित दलित परिवार ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने दबंगई पर कार्रवाई करने के बजाय दबंग से शिकायत लेकर दलित परिवार के 5 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करते हुए थाने में बंद कर दिया। दलित परिवार ने पुलिस पर थाने में पिटाई का आरोप लगाते हुए बताया कि जब जमानत पर छूटकर सभी लोग जैसे ही घर पहुंचे तो दबंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर गांव से निकलवा दिया। 3 दिन पहले गांव छोड़कर धौलपुर पहुंचे पूरे परिवार ने रेलवे स्टेशन पर डेरा डाल दिया, जहां ठेकेदार धर्मेंद्र ने 2 दिन से भूखे परिवार को खाना खिलाया और साथ ही पॉलिथीन का टेंट लगवाकर उन्हें दिहाड़ी मजदूरी पर लगा दिया। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को गांव के ही दबंग बद्री के 17,000 रुपए से भरे कुर्ते को लेकर एक शावक भाग गया। शावक द्वारा पैसों से भरा कुर्ता दलित परिवार पर छिपाने का आरोप लगाते हुए दबंगों ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। वो दूसरी ओर थाना प्रभारी परमजीत ने कहा कि पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से कोई मारपीट नहीं की गई। क्या खबर?